तो ये रहा कंप्यूटर, और ये जो लाइट देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ लाइट जलता है, ये स्विच नहीं है। ओनली अगर कोई प्रॉब्लम आएगा या कुछ दिक्कत आएगी तो यहाँ पे लाइट जल जाएगा, या जो आप वर्क करेंगे तो जो स्विच दबा हुआ रहेगा तो यहाँ से जल जाएगा। और ये जो देख रहे हैं ये है इमरजेंसी स्टॉप है, यानी कि जब कोई अगर क्रेन में प्रॉब्लम आने लगे या कोई ऐसा परेशानी हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल इस तरह से दबा के इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब खोलने का रहेगा तो फिर इस तरह से ये ओपन खुल जाएगा। ये देखिए, अभी इस तरह से दबाएंगे तो पूरा इंजन बंद हो जाएगा, बिल्कुल एक बार में पूरा बंद हो जाएगा। और ये है लीवर जो कि आप देख पा रहे हैं। मैं आज ये सब स्विच का आपको पूरा फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, और चलिए आप लोग बने रहिए और मैं बताता हूँ। ये साइड पे, और देखिए ये साइड पे है। आज मैं ऑपरेटिंग केबिन का पूरा स्विच के बारे में मैं आपको आज बताता हूँ कि बस इतना ही है, और इतना में ही से ऑपरेट होता है सारा चीज़ जो है यहाँ का सिस्टम। कुछ स्विचें इधर है और कुछ इधर है, और ये दो लीवर है, और दो लीवर के बीच में देख सकते हैं कि तीन ऊपर इस साइड पे है और तीन इस साइड पे है, और एक है जो कि आपको दिखाते हैं। देखिए ये नीचे है, आप ये देख रहे हैं, ये इस साइड पे भी है और ये साइड पे भी है। तो ये सब का मैं फंक्शन आज बताता हूँ आप लोगों को क्या है और किस तरह से किससे कौन सा स्विच कौन सा काम में आता है। तो चलिए आप लोगों को मैं स्टार्ट करता हूँ। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो मैं आ चुका हूँ ऑपरेटिंग केबिन में, और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि आज आप लोगों को एक एक स्विच के बारे में बताता हूँ कि कौन सा स्विच किस काम में आता है। तो आप लोग चलिए और मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आप लोगों को कि कौन सा स्विच किस काम में आता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, अगर हम इस तरह से ऑन किए तो देखिए हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा है। अगर उस स्विच को हम दबा के इस तरह किए तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया। तो इस स्विच का यही काम है, ये स्विच से हमारा ऊपर केबिन का कंप्यूटर ऑन हो जाता है और यहाँ का फंक्शन ऑन हो जाता है जो कि आप देख रहे हैं। आपको मैंने कंप्यूटर के बारे में बताया ही था और फिर से मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये रेड दिख रहा है, ये रेड बटन जो दिख रहा है आपको, ये रेड बटन दिख रहा है, ये हमारा हॉर्न है। अगर इसको दबाएंगे तो इससे हॉर्न बजेगा हमारा, ठीक है, इससे हॉर्न बजेगा। और ये जो स्विच है, ये दो स्विच जो देख रहे हैं, तो ये स्विच है, ये स्विंग फ्री स्विच है। इससे क्या होता है, स्विंग फ्री हो जाता है, यानी कि जब आप बूम को डाउन कर रहे हैं या रखने के समय इसको जब एक्सटेंड करते हैं हम लोग सामने, बिल्कुल बूम को जब डाउन करते हैं और जब गाड़ी पे रखने का बारी आता है तो उसमें आप इसको बिल्कुल इस तरह से दबा के और अगर आप रखेंगे वहाँ पे तो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। और एक काम में ये आता है, जब कोई आप लोड उठा रहे हैं और उस लोड पे आपको पता नहीं चल रहा है कि सीधा है या नहीं है, तो उस लोड को क्या कीजिएगा, अगर आप इस स्विंग को इस तरह से दबा के और अगर इस तरह से खींच के रोप को टाइट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्विंग फ्री रहेगा, तो एकदम लेवल पे, बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा, यानी बिल्कुल सीधा आ जाएगा जहाँ पे आपको आना चाहिए अगर दाएं हो या बाएं हो। तो अगर इसको अगर आप दबा के अगर रोप को खींचेंगे ऊपर की ओर टाइट करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा। तो ये दोनों उसी का फंक्शन है, इधर का भी सेम एक ही है, तो इससे आप वो काम कर सकते हैं। तो ये तीनों का ये फंक्शन रहा। और इसके नीचे और एक जो है आप देख सकते हैं, ये स्विच जो आपको दिख रहा है, ये स्विच कब काम आता है, ये स्विच अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम सामने से जो ये स्विच दोनों, अगर ये ऑफ है हमारा, इस तरह का ऑन नहीं है, अगर ये ऑफ है, अगर ये ऑफ है तो आप इस स्विच को दबा के, इस स्विच को इस तरह से दबा के फिर अगर इससे आप रोप को डाउन, अप और डाउन कर सकते हैं। जो हमारा हुक है उसको आप अप और डाउन कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको ये स्विच को दबा के रखना पड़ेगा, इस स्विच को इस तरह दबा के, और उसके बाद अगर आप इस तरह से नीचे की ओर करेंगे तो ये क्या होगा कि हमारा छोटा हुक ऊपर और नीचे यानी कर सकते हैं। अगर ये स्विच दोनों ऑफ रहा तो, अगर ऑन रहा तो फिर तो वो काम करेगा, ऑटोमेटिक काम करेगा, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब नीचे आते हैं,
तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ये दो स्विच है यहाँ पे, एक तो आप हॉर्न का देख रहे हैं, ये हॉर्न का स्विच है, अगर इसको आप दबाएंगे तो ये हॉर्न बजेगा, लेकिन ये स्विंग का स्विच है, अगर ये ऑफ रहेगा तो स्विंग नहीं होगा बिल्कुल, अगर आप स्विंग करना चाहेंगे तो बिल्कुल स्विंग नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा तो। और ये जो ये भी, अगर ये दोनों ऑफ रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी लीवर नहीं काम करेगा, इस साइड का भी लीवर काम नहीं करेगा और ये साइड का भी लीवर कुछ भी काम नहीं करेगा अगर ये दोनों ऑफ रहेगा तो। तो चालू करते समय बाद में इसको दोनों ऑन किया जाता है तब जाके फंक्शन चालू होता है। अगर ये स्विच ऑफ रहेगा तो फिर जाके स्विंग नहीं काम करेगा, और ये स्विच ऑफ रहेगा तो आप आधा काम कर सकते हैं, आधा का मतलब कि आप इससे रॉप वगैरह डाउन कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, लेकिन स्विंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों स्विच को हमें ऑन करना पड़ेगा तब जाके आप काम कर सकते हैं। और ये हमारा है जो आप देख रहे हैं क्रॉस का चिन्ह जो देख रहे हैं, ये है हमारा बाईपास, यानी कि जब क्रेन में आप काम कर रहे हैं और अगर लोड ज़्यादा हो गया है कैपेसिटी से और आपको उठाना ही है और आप फंसे हुए हैं तो बाईपास से तो काम करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी इमरजेंसी के लिए ये दिया हुआ है तब इसको आप दबा के रखना होगा, उसके बाद आपको लीवर को खींचना पड़ेगा तब जाके वो काम करेगा, नहीं तो कंप्यूटर आपका आवाज़ देने लगेगा और वो काम नहीं करेगा बिल्कुल, तो उसके लिए इसको दबा के ही आपको काम करना पड़ेगा ओवरलोड में। तो ये है हमारा बाईपास स्विच है, और ये तो आप जान रहे रिवॉल्विंग लाइट का है जो कि ऊपर जलता है, काम करते समय जलाया जाता है वो है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें चिन्ह वन नंबर जो लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो हमारा बड़ा हुक, यानी कि जो है बड़ा हुक का जो रॉप है, ये उसका स्विच है। ये स्विच आता किस काम में है आप ये भी सुन लें कि ये स्विच जब हमारा पूरा रॉप ख़त्म हो जाता है, कहीं खड्डे में काम करते हैं तो उस ड्रम में 3 या 4 लेयर रॉप मेरा बचा हुआ रहता है, एक्स्ट्रा में 3 या 4 लेयर रॉप जो बचा हुआ होता है, तो अगर कहीं काम करते समय अगर फंस गया, यानी कि फंस क्या गया कि आप डाउन करना चाहते हैं और रॉप आपका ख़त्म हो जा रहा है और आपको इमरजेंसी में डाउन करना ही करना है किसी तरह से, और 1.5 हाथ आपको डाउन करना है, यानी कि 0.5 मीटर 1 मीटर अगर डाउन करना है और आपको किसी भी सूरत में, तो उस समय रॉप ख़त्म हो जाता है, तो ये इमरजेंसी में जो 3-4 लेयर रॉप रहता है, तो अगर इस स्विच को हम इस तरह दबा के रखेंगे इस तरह, तो वो जो 2-3 लेयर रॉप रहता है उससे आप इमरजेंसी में कोई लोड को आप डाउन कर सकते हैं और वो रॉप खुल जाएगा इससे, जब तक इसको नहीं दबाएंगे वो जो 3-4 लेयर रॉप एक्स्ट्रा में रहता है हमारा वो नहीं खुलेगा। तो इसको दबा के ये उस समय काम में आता है। और ये जो स्विच देख रहे हैं ये एसी का स्विच है, लेकिन ये कनेक्शन नहीं है, एसी अभी ऑटोमेटिक है तो डायरेक्ट है, ये एसी का स्विच है। तो ये जो आप स्विच देख रहे हैं ये स्विच हमारा है आउट रिगर का। तो आउट रिगर का क्या है आउट रिगर का स्विच, ये मैं बताता हूँ आपको। ये आउट रिगर का स्विच है, यानी कि ये हाफ आउट रिगर का स्विच है। अगर आप इसको दबा देंगे, इसको अगर आप दबा देंगे इस तरह से, तो ये हाफ आउट ट्रिगर का स्विच है, यानी कि अगर चारों जग आपका हाफ निकला हुआ है, पूरा फुल नहीं निकाल पा रहे हाफ में, तो उस समय इसको ऑन किया जाता है, ताकि क्या है अगर आपका 9 टन कैपेसिटी बता रहा है फुल में अगर 9 टन कैपेसिटी बता रहा है और इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो सीधा ये 5 में 4.5-5 टन में आ जाएगा, ताकि आप सेफ रहेगा काम करने में, कि आप हाफ जग निकाले हैं तो फुल में काम नहीं करना, अनसेफ होता है फुल में काम करना, इसीलिए इसको ऑन कर दिया जाता है, तो इससे आप हाफ काम कर सकते हैं कभी इमरजेंसी में, वैसे किया तो नहीं जाता है। और सबसे नीचे आप देख रहे हैं एक ये है, ये हीटर का है, यानी कि ये हीटर का है, ये जब आप ऑन कर देंगे तो वो हीटर काम करने लगेगा, एसी का गर्म हवा देने लगेगा, और इस तरह ऑफ रहेगा तो ठंडा हवा देने लगेगा। और आपको जो ये स्विच दिख रहा है, ये स्विच अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा जो रॉप है वो फास्ट डाउन होगा, यानी कि तेज़ी से डाउन होगा, जो तेज़ी से काम करेगा और तेज़ी से डाउन होगा, और ये अगर ऑफ रहेगा तो बिल्कुल स्लो डाउन होगा और स्लो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ये स्लो से काम होगा। तो हमारा देखिए ये लेफ़्ट साइड का जो हमारा पूरा फंक्शन था, ये लेफ़्ट साइड का पूरा हमारा ये फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग केबल में है, स्विच है। और चलिए का दिखाते हैं, तो ये रहा राइट साइड का और ये रहा सारा बटन और
और आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम इसी तरह का है राइट साइड भी, ये हॉर्न है। और इस स्विच को अगर हम दबा के अगर इस साइड पे करेंगे तो हमारा बूम निकलेगा, और अगर इस स्विच को इस साइड करेंगे तो हमारा बूम अंदर आएगा। सेम यही है, दोनों का एक ही फंक्शन है, ये या ये दोनों का एक ही फंक्शन है। और सेम उसी तरह का देखिए यहाँ भी नीचे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल, देखिए यहाँ भी इसमें एक बटन है, स्विच है जो कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ भी एक स्विच है। तो इसको दबा के अगर आप इस स्विच को नहीं दबाना चाहते हैं, ये ऑफ है, तो आप इसको दबा के यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरह से, यानी कि उस तरह से निकाल तभी सकते हैं जब ये स्विच ऑफ रहेगा। अगर ये स्विच ऑफ रहेगा तभी आप उस तरह से निकाल सकते हैं, अगर ये स्विच ऑन रहेगा दोनों तो फिर आपका उस तरह से बूम डाउन होगा, निकलेगा नहीं, वो बूम डाउन होगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो बूम डाउन नहीं होगा बल्कि वो टेलीस्कोप निकलेगा, उसमें से बूम निकलेगा, ये चीज़ याद रहना चाहिए। जब इस तरह का होगा तो इसको दबा कर आप निकाल सकते हैं। फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद हमेशा रखिएगा कि जब तक ये स्विच ऑफ रहेगा तभी तक आप उससे निकाल सकते हैं, अगर ये डाउन रहेगा तो ये निकलेगा नहीं, ये बल्कि अगर आप उस तरह करेंगे तो वो क्या होगा कि बूम डाउन जाएगा, ना कि टेलीस्कोप निकलेगा। टेलीस्कोप निकलेगा कब, जब ये ऑफ रहेगा तब आप निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर इस तरह रहेगा तब भी टेलीस्कोप निकलेगा, लेकिन आपको जो ऊपर वाला तीन स्विच है उसमें से एक स्विच दबाना पड़ेगा तब निकलेगा। अगर वो स्विच नहीं दबाना खोज रहे हैं आप लोग तो सिर्फ ये ऑफ रहेगा तो फिर आप उससे वैसे निकाल सकते हैं, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये स्विच जो आप देख रहे हैं, ये स्विच को इस तरह से दबा के आप रॉप डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद जाके अगर आपको ये स्विच नहीं दबाना है, इसको इस तरह का काम नहीं करना है, इससे आपको नहीं निकालना है या नहीं बंद करना है, तो आप यहाँ पे ये जो डायरेक्ट स्विच देख रहे हैं ये स्विच को भी दबा के आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो ये स्विच को आप दबा के इस तरह से रॉप को डाउन कर सकते हैं, इस तरह से डाउन कर सकते हैं, रॉप को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, तो ये हमारा जो हुक है बड़ा हुक नीचे जाएगा और ऊपर की ओर आएगा। तो बस ये दबा के और इस तरह से नीचे करना है तो बड़ा हुक नीचे जाएगा, और इस तरह से दबा के इस तरह ऊपर करेंगे तो बड़ा हुक ऊपर आएगा। तो इसका ये फंक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। बाकी पहले इधर देख लेते हैं, और हमारा देखिए एक ये स्विच है, और ये स्विच क्या काम में आता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्विच है, इस स्विच को अगर हम इस तरह से डाउन कर देंगे, इस स्विच को अगर हम इस तरह से डाउन कर देंगे और यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से करना चाहें नीचे की ओर, तो नीचे की ओर करना चाहेंगे तो हमारा बड़ा हुक डाउन नहीं होगा, बल्कि अगर हम इस तरह से नीचे करेंगे तो मेरा बड़ा हुक डाउन नहीं होगा। सिर्फ काम ये क्या करेगा, सिर्फ हम इधर करेंगे तो ये निकलने का काम करेगा और इधर करेंगे तो ये अंदर जाने का काम करेगा, लेकिन इससे क्या होगा, ये रॉप नीचे होगा और रॉप ऊपर जाएगा, लेकिन इससे डाउन नहीं होगा। अगर हम इसको नीचे की ओर किए हुए हैं तो अगर हम चाहें कि इस तरह करके डाउन कर दें तो मैं हमारा बूम डाउन नहीं होगा, क्योंकि बूम डाउन नहीं होगा लेकिन बूम निकलेगा ज़रूर, बेसिक बूम हमारा निकलना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन डाउन नहीं होगा। ये स्विच का यही काम है, तो इसीलिए ये स्विच ऑफ रहता है। उसके बाद से आप यहाँ से इस तरह करके निकाल सकते हैं, उसके बाद इस तरह करके अंदर कर सकते हैं, और इस तरह करके डाउन कर सकते हैं बड़ा हुक को, और इस तरह करके अप कर सकते हैं बड़ा हुक को, इसीलिए ज़्यादातर ऑफ ही रहता है ये बटन। और ये जो है हमारा फैन का है, पीछे तरफ का जो हाइड्रोलिक फैन होता है ये ऑन करके रखा जाता है ताकि हाइड्रोलिक गर्म ना हो और उसको ठंडा करता है ये, तो ये ठंडा करने के लिए ये होता है हमारा हाइड्रोलिक ये जो है। और ये हमारा पांचवा है, ये बूम का है, ये भी अगर हम इसको इधर करके रखेंगे तो की ओर एक साथ में तीन निकलेगा और तीन बंद होगा, और अगर इस स्विच को हम ऑफ रखते हैं तो सिर्फ यहाँ से हमारा एक निकलेगा और एक बंद होगा, जो कि बेसिक बूम है वही निकलेगा और वही बंद होगा। तो हमको इसको ऑन, अगर आपको एक निकालना है तो इसको ऑन, तीन निकालना है तो ऑन कर दीजिए और एक निकालना है तो ऑफ कर दीजिए। तो अगर याद रखिए कि इसको ऑफ रहेगा तो एक निकलेगा और नीचे की ओर रहेगा तो एक साथ में तीन निकलेगा। तो ये स्विच का आप जान गए फंक्शन। और नीचे आइए, ये देखिए लाइट का है, ये भी लाइट का है, और ये हमारा पाँचवा जक जो होता है सबसे आगे, जो अपना ऑपरेटर वहाँ ड्राइविंग केबिन के पास होता है, तो ये उसका है। तो इसको ऑन करने से ये बाहर आएगा, और अगर ऑन नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसको ऑन रखना पड़ता है। और नीचे
आप देख पा रहे होंगे जो नीचे आपको स्विच दिख रहा है, ये वाइपर का है जो कि आगे साइड का है, और ये वाइपर का है जो कि सबसे ऊपर साइड का है, और ये जो स्विच देख रहे हैं इसको दबा के अगर रखेंगे तो वाइपर का जो पानी है वो पानी यानी कि निकलता है इससे, और इससे दोनों से आप साफ कर सकते हैं, और ये पानी है, इसको दबा के रखने से पानी निकलेगा। और यही है यहाँ का फंक्शन पूरा, और एक फंक्शन इसमें और है जो कि मैं आपको बताता हूँ, वो फंक्शन ये है कि देख लीजिए यहाँ पे अगर इस लीवर को दबा के जब तक आप इसको इस पैडल को अगर नहीं दबाएंगे तब तक छोटा हूँ नीचे नहीं जाएगा, अगर इसको छोड़ेंगे अगर इसको जितना भी दबा दें कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इसको आपको दबाना ही होगा तभी ये नीचे जाएगा और ऊपर आएगा, अगर इसको छोड़ेंगे तो आप काम नहीं करेगा, यानी कि दोनों ही आपको दबाना होगा, इसको भी और उसको भी, तब भी छोटा हुक आपका नीचे जाएगा और ऊपर आएगा, इसका ये फंक्शन। तो गाइज आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे जाके ऑल पे जाके बेल ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें और कुछ नई जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से ले सकें।